नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन और पूरी दुनिया में स्टील किंग के नाम से जाने जाने वाले लक्ष्मी मित्तल के बारे में बताने जा रहे हैं। फोर्ब्स के अनुसार 2005 में लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में तीसरे नंबर पर थे। 2011 में वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में छठे नंबर पर थे। हालांकि 2015 में वो इस सूची में 82वें स्थान पर आ गए थे, लेकिन आज भी उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बजा रखा है। उनका काम करने का अंदाज कुछ अलग ही है। उन्होंने भारत से बाहर जाकर काम करने का मुश्किल निर्णय लिया और बन गए पूरी दुनिया के स्टील किंग। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया लक्ष्मी मित्तल को किंग ऑफ स्टील के नाम से जानती है। उन्होंने एक टाइम पर अपने प्रिंसिपल की उनके प्रति सोच को गलत साबित कर खुद को प्रूव किया था। आइए जानते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का लड़का कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आ गया। लक्ष्मी मित्तल का जन्म 15 जून 1950 को राजस्थान के सादुलपुर चूरू में हुआ था। उनका जन्म एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार में हुआ था, जिसमें 25 सदस्य थे। इतना बड़ा परिवार होने की वजह से बचपन में वो जमीन पर या मैट आदि पर भी सो जाया करते थे। उनके दो बड़े भाई प्रमोद मित्तल और विनोद मित्तल हैं और उनकी एक बहन सीमा लोहिया है। उनके पिता मोहनलाल मित्तल एक व्यवसायी थे, इसीलिए बिजनेस के गुण उनमें बचपन से ही थे। उनका पूरा परिवार बाद में कोलकाता में शिफ्ट हो गया था, जहाँ उनके पिता ने एक स्टील मिल लगाई। लक्ष्मी मित्तल की बचपन की पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से थी और कलकत्ता में भी उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल में ही एडमिशन लिया था। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने सेंट जीवियर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया। NDTV को दिए अपने एक इंटरव्यू में लक्ष्मी जी ने बताया कि जब 16 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, तो सेंट जीवियर कॉलेज के प्रिंसिपल फादर ज्यूरिस ने उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि एक हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा इंग्लिश मीडियम में अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन लक्ष्मी मित्तल को तो उसी कॉलेज में ही एडमिशन लेना था, इसीलिए वो बार बार प्रिंसिपल का दरवाज़ा खटखटाते रहे और अंत में बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें सेंट जीवियर कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन अब उन्हें फादर ज्यूरिस को प्रूव करना था कि वो अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी क्लास में टॉप किया। अपनी क्लास में टॉप करके उन्होंने अपने प्रिंसिपल को गलत साबित कर दिया था और दिखा दिया था कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी अपनी मेहनत से इंग्लिश मीडियम कॉलेज में टॉप कर सकता है। इसके बाद जब वो पूरी दुनिया में किंग ऑफ स्टील के नाम से जाने जाने लगे, तो सेंट जीवियर कॉलेज की तरफ से उन्हें ग्लोबल अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भारत के बाहर लगाई पहली कंपनी। स्कूल और कॉलेज के बाद वो अपने पिता का उनके बिजनेस में हाथ बटाया करते थे। उनके पिता की कंपनी का नाम निप्पन डेंड्रो इस्पात था। लक्ष्मी मित्तल को इस बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी हो गई थी, लेकिन उस समय भारत सरकार ने स्टील के उत्पादन पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए लक्ष्मी मित्तल ने इंडोनेशिया में अपने पिता के साथ मिलकर अपना पहला स्टील कारखाना इस्पात इंडो के नाम से लगाया। यहीं से उनकी सफलता की उड़ान शुरू हुई थी। उनके नाम में लक्ष्मी है और अपने नाम के अनुरूप ही उन्होंने अपनी मेहनत और कामों से बहुत सारा धन अर्जित किया। कहा जाता है कि उनका भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी कंपनीज खरीदी जो घाटे में चल रही थी और उन घाटे में चल रही कंपनीज को फायदे की कंपनियों में बदल दिया। इसके बाद उन्हें पूरी दुनिया में एक ऐसे बिजनेसमैन के तौर पर जाना जाने लगा जो मिट्टी को भी सोना बना सकता था। 1989 में लक्ष्मी मित्तल ने ट्रिनिडैड और टोबैगो की एक सरकारी कंपनी, जिसे हर रोज $1 मिलियन का नुकसान हो रहा था, उसे खरीदकर फायदे की एक कंपनी में बदल दिया। उस कंपनी को चलाने में जर्मनी और अमेरिका तक के बड़े बड़े दिग्गज भी सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने अपनी इच्छा शक्ति और फोकस्ड अप्रोच की वजह से एक साल के अंदर ही उसे फायदे की एक कंपनी में बदल डाला।
आज भारत में भी उनके परिवार की बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन लक्ष्मी मित्तल का ज्यादातर कारोबार विदेशों में ही है। वो विदेश में ही अपने कारोबार को बढ़ाते रहे हैं और भारत में उनके दोनों भाई अपना अलग बिजनेस कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भले ही विदेश में रहते हैं, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता को आज तक नहीं छोड़ा है। लक्ष्मी मित्तल के आलीशान घर। लक्ष्मी मित्तल ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन कुछ खर्चों की वजह से वो हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। वो सबसे ज्यादा चर्चा में उस समय आए जब उन्होंने लंदन में $128 मिलियन खर्च करके 12 बेडरूम का घर खरीदा। ये घर उन्होंने फॉर्मूला वन चैंपियन बर्नी एसल्टन से खरीदा था। 2004 में जब लक्ष्मी ने यह घर खरीदा, तब ये उस समय का सबसे महंगा घर था। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए जिन संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उन्हीं पत्थरों से इस घर को भी सजाया गया। इसी खूबी और भव्यता की वजह से इस घर को ताज मित्तल के नाम से भी जाना जाता है। उनके इस आलीशान घर में 12 बेडरूम के साथ साथ पूल, तुर्किश बाथरूम और कम से कम 20 गाड़ियों को पार्क करने की जगह है। इसके अलावा लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी वनीषा को भी उसकी शादी पर उपहार में देने के लिए एक घर खरीदा था, जिसकी कीमत 70 मिलियन ब्रिटिश पाउंड थी। इस तरह कैंसिंगटन पैलेस गार्डन के बिलीनियर्स रो में लक्ष्मी मित्तल की 3 मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी कुल कीमत 500 मिलियन ब्रिटिश पाउंड के बराबर है। इसके अलावा भारत में भी 2005 में उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड नई दिल्ली में एक घर $30 मिलियन में खरीदा था। सबसे महंगी शादी। लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी से कहा था कि उसकी शादी ऐसी होगी जिसे लोग देखते रह जाएंगे, और मित्तल ने अपनी इस बात को सच भी करके दिखाया। लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी की शादी पर 240 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पेरिस के वॉक्सले कॉम्टे महल में हुई शादी में 6 दिनों तक समारोह चलता रहा था। ये शादी दुनिया की दूसरी सबसे महंगी शादी थी। इस शादी में 10,000 मेहमानों ने शिरकत की थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने इस शादी में परफॉर्म किया था, जिनमें जूही चावला, रानी मुखर्जी, सैफ अली खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, जावेद अख्तर के साथ साथ अमेरिकन सिंगर काइली मिनाग ने भी परफॉर्म किया था। काइली मिनाग ने 1 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए 1 करोड़ रुपये लिए थे। इस शादी में वेजिटेरियन फूड को सर्व करने के लिए इंडियन शेफ मुन्ना महाराज को कोलकाता से बुलाया गया था। हालांकि फ्रांस के पत्रकारों ने इतने ज़्यादा खर्च की आलोचना की थी। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी। अमेरिका में कारों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टील का 40% मार्केट अकेले लक्ष्मी मित्तल की कंपनी से सप्लाई होता है। 2004 में लक्ष्मी मित्तल ने अपनी 2 कंपनीज इस्पात इंटरनेशनल और LNM होल्डिंग्स को मर्ज किया और ओहियो की एक कंपनी इंटरनेशनल स्टील ग्रुप को खरीद लिया। इसके बाद से ही उनकी नई कंपनी मित्तल स्टील कॉरपोरेशन NV दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। इसके बाद उन्होंने 2006 में आर्सलर्स के साथ मर्जर कर लिया और आज उनकी कंपनी आर्सलर मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। खेलों और शिक्षा में योगदान। लक्ष्मी मित्तल स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और उनकी हमेशा इच्छा थी कि भारत के खिलाड़ी ओलंपिक्स में अच्छे पदक जीतें। इसके लिए उन्होंने मित्तल चैंपियनशिप ट्रस्ट का गठन किया, जो 10 भारतीय एथलीट को सपोर्ट करेगा ताकि वो ओलंपिक्स और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ओलंपिक्स में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा को उनकी तरफ से 1.5 करोड़ का इनाम भी दिया गया था। खेलों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। 2003 में जयपुर में LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई, जिसे लक्ष्मी मित्तल एंड उषा मित्तल फाउंडेशन ने धन दिया था। दिल्ली में 2009 में उनके द्वारा उषा लक्ष्मी मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की भी स्थापना की गई। लक्ष्मी मित्तल एक शानो शौकत से भरा जीवन जीते हैं। उनके पास प्राइवेट जेट, याच और दुनिया की सबसे महंगी कारें रोल्स रॉयस, फैंटम, पोस्ट, बॉक्स्टर, बुगाटी आदि हैं। 2020 की दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों की फोर्ब्स की लिस्ट में लक्ष्मी मित्तल 196वें स्थान पर हैं और उनकी कुल संपत्ति $7.4 बिलियन है। 2019 में
लक्ष्मी मित्तल की कंपनी को 2.5 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था, लेकिन 2019 में ही उन्होंने 5.9 बिलियन डॉलर्स खर्च करके एसआर स्टील का एक्विजिशन कर लिया। कोविड 19 के दौर में भी लक्ष्मी मित्तल ने पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए दान किए हैं। अवार्ड्स। लक्ष्मी मित्तल को भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान की तरफ से उन्हें दोस्तेक वन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें फोर्ब्स की तरफ से लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और यूरोपियन बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है।